हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आइडियम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, निल पोटेंट, ऑर्थोगोनल, पीरियोडिक, इन सब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। ऑल राइट, सो जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? तो अगर हम मैट्रिक्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, है ना, तो अगर हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ओके, तो इस टाइप की मैट्रिसेस को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो ए स्क्वायर बराबर आई आ गया। अब आप इसको वापस ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? ए। अगर वापस आप इसे ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर। और हमें यहाँ से पता है ए स्क्वायर आई के बराबर है, तो ए की पावर 4 वापस आई आ गया। आप फिर से ए से मल्टीप्लाई करो इसे तो ए की पावर 5 ए आ जाएगा। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। तो आपकी जितनी भी ऑड पावर्स है, ए, ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ये सब बराबर होंगी, और ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6, है ना, ये सब जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होंगी। इस टाइप की मैट्रिक्स इसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जरूरी नहीं है ये वर्ड का यूज करा जाए एग्जाम में या जेई के अंदर, बट अगर ऐसा कोई रिलेशन होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि ये रिलेशन मेंशनड हो, सिंपली एक मैट्रिक्स ए देकर छोड़ सकते हैं और हम जब उसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लगेगा ओ ए स्क्वायर आई आ रहा है, मतलब ये इन्वोल्यूटरी है, मतलब सारी ऑड पावर्स ए के बराबर है और सारी इवन पावर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन है, पहली टाइप की मैट्रिक्स है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकेंड टाइप के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ओके, इसको अपन बोलते हैं आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अभी आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स अपन कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ए इंटू ए, यानी अपना ए स्क्वायर वापस ए के बराबर आ जाए तो ये आइडियम्पोटेंट है। अब ये हमेशा ए ही रहेगा अगर आप दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए क्यूब बन जाएगा ए स्क्वायर, जो हमें पता है किसके बराबर है, ए। आप फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 आ जाएगा ए स्क्वायर, जो हमें पता है ए है। तो इन शॉर्ट आप आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए की कोई भी पावर लो, 1000, 2000, 10000, ये वापस ए के बराबर आएगा। तो डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे जेई के अंदर, बट अगर ए स्क्वायर बराबर ए दिया है या अगर आप ए इंटू ए कर रहे हो और ए आ रहा है, तो आप ए की पावर 100, 1000, 10000 सबको वापस ए से ही रिप्लेस कर सकते हो, इसलिए इसको अपन बोलते हैं आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन कई सारे क्वेश्चन में यूज होता है, डायरेक्टली नहीं मेंशनड होता है कि वर्ड ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को वापस ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस के अंदर आपके पास आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि ये जो आपका ए ट्रांसपोज है, यही ए इनवर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स करे या ए इनवर्स इंटू ए करे, वापस आई आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस तरह की मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है। अब एग्जाम में नहीं बोला जाए ऑर्थोगोनल, चाहे ये रिलेशन दे दे या अगेन हमें इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे, बस ए मैट्रिक्स देके छोड़ देंगे और वहां हमें पता लगाना पड़ेगा कि अगर हम देखें ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके, तो हमें पता चलेगा कि ओके ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रही है, ये आई के बराबर आ रहा है। और इसकी इंटरेस्टिंग और खास बात क्या है? जैसे मान लो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, एबीसी डीईएफ जीएच आई, और आप इसको इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रोज बन गए कॉलम्स और कॉलम्स बन गए रोज, और रिजल्ट आपके पास किसके बराबर आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल्स पे 1 होता है, बाकी सब जगह क्या होता है? 0। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन आता होगा आप सभी को, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। तो पहला एलिमेंट ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक्चुअली इस फर्स्ट रो के खुद के एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन है, ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी। इसी तरह अगर आप सेकेंड रो को सेकेंड इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। इसी तरह जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। क्या ये बात समझ में आ रही है अपन को? अगर आप इस रो को किसी और कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए बी सी इंटू डी ई एफ, तो क्या आएगा?
एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, और ये यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को खुद के साथ, खुद ही के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वन आता है ऑर्थोगोनल में आंसर। अगर आप उसी रो को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर जीरो आता है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्लासिफिकेशन पे आएंगे, इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शंस की तरह ही होता है, है ना। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन वापस एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, तो यही चीज आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर भी होती है। तो हम बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का टाइम पीरियड जो है अगर के है तो इसका मतलब है कि वो के मल्टीप्लीकेशन के बाद रिपीट करेगा। तो मतलब ए की पावर के प्लस वन वापस ए हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला मैट्रिक्स ए का जो टाइम पीरियड है ना वो फोर है, तो ए को खुद से चार बार मल्टीप्लाई कर दो ए के बाद वापस इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो वो बन जाएगा ए की पावर फाइव और ये वापस आ जाएगा ए। तो जेई में मे बी पीरियोडिक वर्ड यूज नहीं करें, बट अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो अब हमें पता है कि अब इसके आगे ये वापस क्या करेगा, ए की पावर सिक्स ए स्क्वायर, है ना। तो अब आपके पास अगर ये पीरियड आ गया तो अब आप फिर से ए से मल्टीप्लाई करो, है ना, ए की पावर सिक्स ए स्क्वायर, ए की पावर सेवन ए क्यूब, ए की पावर एट का हो जाएगा ए की पावर फोर, और ए की पावर नाइन आ जाएगा ए की पावर फाइव, और ए की पावर फाइव हमें पता है कि क्योंकि पीरियड फोर था तो ए की पावर फाइव ए आ जाएगा, है ना, एक आगे उसके, के पीरियड है तो ए की पावर के प्लस वन ए होता है, तो ये ए की पावर फाइव वापस ए बन जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि फोर फोर के गैप से रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक। तो अगर मान लो पीरियड टेन है तो ए ए की पावर 11, ए की पावर 21, ए की पावर 31 सब सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, लास्ट वाली जो कैटेगरी है जो हम यहाँ देखने वाले हैं इसको हम बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या है ना, तो निल निल का क्या मतलब होता है, निल मतलब जीरो, तो कुछ ना कुछ जीरो बन रहा होगा, नल बन रहा होगा, मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स बन रही होगी। तो हम बोलते हैं कि हमारी मैट्रिक्स M ऑर्डर की निल पोटेंट मैट्रिक्स है अगर A की पावर M जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, और उससे पहले आप चाहे A लो, चाहे A स्क्वायर लो, चाहे A क्यूब लो, कुछ भी लो, ये जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला A जो है ना ये फिफ्थ ऑर्डर की निल पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब A नल नहीं होगा, A स्क्वायर नल नहीं होगा, A क्यूब नल नहीं होगा, A की पावर 4 नल नहीं होगा, लेकिन ए की पावर फाइव आते ही ये नल हो जाएगा। एक बार अगर ये नल हो गया, अब आप दोनों साइड किसी से भी मल्टीप्लाई करो नल ही रहेगा, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो ए की पावर सिक्स के आ जाएगा जीरो, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो फिर से ए की पावर सेवन के आ जाएगा जीरो। तो इसको अपन बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर हो आपको। तो जेई के अंदर ये डायरेक्ट नाम से क्वेश्चंस नहीं आते, ऑल्दो ये रिलेशंस आ सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है आपको जहाँ ए स्क्वायर आई हो, ए स्क्वायर ए हो, या ए ए ट्रांसपोज आई हो, डायरेक्टली ये वर्ड्स नहीं आते क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, मे बी एडवांस में शायद कभी पैसेज में है बट ऐसा भी हुआ नहीं है। बट अगर आप बिट्स का पेपर या बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वीआईटी, एसआरएम, इन सब के पेपर दे रहे हो तो इनके सिलेबस में ये चीज आपसे जरूर जरूर पूछी जा सकती है। तो बेटर है कि हमें ये क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कोई फीडबैक है तो प्लीज उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऑल राइट, थैंक यू।